नमस्ते, यहाँ पर इस वीडियो के दौरान एवोल्यूशन एक्स 7.9.8 के बारे में बात करने वाले हैं। Redmi Note 7 डिवाइस के लिए ये जो अपडेट है ऑफिशियली अवेलेबल हो गया है एंड काफी इंटरेस्टिंग फीचर्स ऐड किया गया है इस अपडेट के साथ। तो सबसे पहले यहाँ पर क्विक सेटिंग्स पैनल के ऊपर जो है कस्टमाइजेशन ऑप्शंस अवेलेबल है। यहाँ पर जो है कुछ इस तरह से यूआई देखने को मिलेगा। हमने यहाँ पर जो कस्टमाइज किया है ब्राइटनेस स्लाइडर को कस्टमाइज कर सकते हो, प्लस क्विक सेटिंग्स पैनल को भी कस्टमाइज कर पाओगे। एंड यहाँ पर एडवांस रिबूट का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, रिकवरी बूटलोडर सिस्टम यूआई का ऑप्शन है। प्लस यहाँ पर जो है होम स्क्रीन के साथ जो है थीम आइकॉन का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। एंड डार्क मोड के साथ जो है एवोल्यूशन एक्स का जो बिल्ड है कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएगा, काफी बढ़िया है। एंड डेफिनेटली इस रोम को आप एज ए डेली ड्राइवर की तरह यूज कर सकते हो। हमने यहाँ पर इस रोम को जो है लगभग जो है कुछ दिन से एज ए डेली ड्राइवर यूज कर रहे हैं। मेरा जो एक्सपीरियंस है इस वीडियो के दौरान आपके साथ शेयर करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर वाईफाई काम कर जाएगा, ब्लूटूथ काम कर जाएगा। ब्लूटूथ एंड वाईफाई को आप एक साथ यूज कर सकते हो। यहाँ पर एक्स्ट्रा डिम नाइट लाइट का ऑप्शन है, कुछ इस तरह से वॉल्यूम पैनल भी देखने को मिल जाएगा। एंड यहाँ पर ऑटो ब्राइटनेस, मैक्सिमम ब्राइटनेस, लो ब्राइटनेस के साथ कोई भी इशू वाली बात नहीं है। वॉल्टी एंड वाईफाई भी काम कर जाएगा। एंड यहाँ पर जो है कुछ इस तरह से सेटिंग्स मेनू के साथ जो है कस्टमाइजेशन ऑप्शंस को भी ऐड किया गया है। एंड ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है काफ़ी बढ़िया है। एंड्रॉयड 13 के साथ स्मूथ एंड स्टेबल एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। एंड एज बिल्डर्स तो डायनामिक पार्टीशन का बिल्ड देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले अगर बात कर लेते हैं अबाउट फोन के बारे में, तो ये जो रोम है तो इन्फोसिंग वाला बिल्ड है 4.19 कर्नल के साथ अवेलेबल है। यहाँ पर लेटेस्ट सितंबर का जो सिक्योरिटी पैच अपडेट देखने को मिल जाएगा, एंड्रॉयड 13 के ऊपर बेस करके तैयार किया गया है। ऑफिशियल बिल्ड है Redmi Note 7 डिवाइस के लिए। इस रोम का डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां पर जाकर इस रोम को डाउनलोड कर सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पर इस रोम के साथ जो है ऑप्टिमाइजेशन देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल जो ऐप ओपनिंग एनिमेशन है, ऐप क्लोजिंग एनिमेशन है, काफी बढ़िया है। इवन जो रैम मैनेजमेंट है वो भी काफी बढ़िया देखने को मिल जाएगा। रैम मैनेजमेंट के साथ जो है पर इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है। एंड यहाँ पर हमने जो है हमारे पास जो डिवाइस है यहाँ पर 3GB रैम है, बट फिर भी जो एक्सपीरियंस है काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पर जो है ऑलमोस्ट सभी एप्लीकेशन के ऊपर स्मूथ एंड स्टेबल एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। यहाँ पर ऐप ड्रॉयर हो जाए, क्विक सेटिंग्स पैनल हो जाए, इवन सेटिंग्स मेनू के साथ जो है कोई भी लैग देखने को नहीं मिलता है, स्टेबल एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। यहाँ पर जो है जीकैम गो को ऐड किया गया है, बाय डिफॉल्ट गूगल कैमरा गो देखने को मिलेगा। पोर्ट्रेट मोड, फोटो फिल्टर का ऑप्शन है, वीडियो का ऑप्शन है। एंड यहाँ पर जो है नाइट मोड, HDR मोड का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। तो यहाँ पर जीकैम गो को ऐड किया गया है बाय डिफॉल्ट। एंड यहाँ पर कैमरा टेप के साथ जो है लेवल 3 का सपोर्ट है। यहाँ पर रिसेंटली जीकैम 9.0 का जो बिल्ड है Redmi Note 7 डिवाइस के लिए अवेलेबल हो गया है। इसके बारे में हमने अलग से वीडियो अपलोड किया है, आप सिंपली जीकैम का जो प्लेलिस्ट है वहां पर जाके चेकआउट करके देख सकते हो। बाकी यहाँ पर जो FM रेडियो है इसे भी ऐड किया गया है, आप सिंपली यहाँ पर हेडफोन कनेक्ट करके FM रेडियो को यूज कर सकते हो। एंड यहाँ पर प्ले स्टोर भी अवेलेबल है, आपको अलग से जो है जी एप्स को फ्लैश नहीं करना होगा। नेक्स्ट यहाँ पर जो है सिस्टम के ऊपर जो है डिवाइस सेटिंग्स का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है इस अपडेट के साथ। यहाँ पर जो है MI साउंड एनहाइजर का ऑप्शन है, डिफरेंट डिफरेंट हेडफोन टाइप को सिलेक्ट कर सकते हो। डिफरेंट डिफरेंट प्रीसेट को सिलेक्ट करने का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, प्लस डिस्प्ले कलर, यहाँ पर डिस्प्ले कलर कैलिब्रेशन का ऑप्शन है। एंड क्लियर स्पीकर का जो ऑप्शन से काम कर चुका है, स्पीकर में जो भी डस्ट रहेगा ऑटोमेटिकली क्लीन हो जाएगा इस ऑप्शन को यूज करने के बाद। तो यहाँ पर Xiaomi पार्ट्स का जो ऑप्शन है यहाँ पर अवेलेबल है। ओवरऑल ये जो बिल्ड है काफी बढ़िया है। अगर आप Redmi Note 7 डिवाइस के साथ जो है एंड्रॉयड 13 के साथ कस्टमाइजेशन प्लस परफॉर्मेंस दोनों को चाहते हो तो आप इस रोम को ट्राई कर सकते हो, काफी बढ़िया एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। नाउ अभी फिलहाल बात कर लेते हैं यहाँ पर 100 मोड का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। यहाँ पर QR कोड को स्कैन करने का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। तो यहाँ पर बैटरी बैकअप के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पर जो है बैटरी टेम्परेचर का ऑप्शन है, बैटरी ऑप्टिमाइजेशन का ऑप्शन है, एडेप्टिव बैटरी का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हो बैटरी यूजर्स के ऊपर कुछ इस तरह से जो है बैटरी यूजर्स देखने को मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पर जो बैटरी ड्रेन है काफी कम है, लगभग जो है आइडियल मोड में ओवरनाइट 2% के आसपास बैटरी ड्रेन देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पर जो है स्क्रीन ऑन टाइम की अगर बात करें, अगर आप लगातार डिवाइस यूज करोगे, अगर आप हेवी यूजर हो तो आपको लगभग जो है यहाँ पर 5 आवर से 6 आवर के आसपास जो स्क्रीन ऑन टाइम देखने को मिलेगा।
एंड यहाँ पर जो बैटरी बैकअप है डिपेंड करेगा आप कौन कौन से एप्लीकेशंस को यूज़ करते हो। ओवरऑल बैटरी बैकअप जो है मेरे को बढ़िया लगा है। बैटरी बैकअप के साथ जो है कोई भी इशू हमने जो है नोटिस नहीं किया है। यहाँ पर जो है इस रॉम के साथ जो है रेडमी नोट 7 डिवाइस के ऊपर जो है फिंगरप्रिंट सेंसर का जो ऑप्शन है अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर फेस अनलॉक को ऐड किया गया है, फिंगरप्रिंट सेंसर का जो ऑप्शन है देखने को नहीं मिलेगा। एनीवे यहाँ पर सिस्टम के साथ जो है यहाँ पर गेस्चर्स का जो ऑप्शन है अवेलेबल है, ढेर सारी ऑप्शंस को ऐड किया गया है। प्लेबैक कंट्रोल का ऑप्शन, इस ऑप्शन को एनेबल करने के बाद वॉल्यूम बटन को लॉन्ग प्रेस करके गानों को स्किप कर सकते हो, इसे ऐड किया गया है। स्वाइप टू स्क्रीनशॉट का ऑप्शन है, आप सिंपली यहाँ पर जो है गेस्चर्स के साथ स्क्रीनशॉट को क्लिक कर सकते हो। डबल टैप का ऑप्शन है, डबल टैप टू चेक फोन का ऑप्शन है। एंड यहाँ पर प्रेस एंड होल्ड पावर बटन का ऑप्शन है, 100 मोड क्विकली ओपन कैमरा, क्विक टैप का ऑप्शन है, स्क्रीनशॉट को क्लिक कर सकते हो। शो नोटिफिकेशन टॉगल टॉर्च का ऑप्शन है, हमने यहाँ पर क्विक टैप से शो नोटिफिकेशन को सिलेक्ट किया है। उसके बाद जो इस तरह से डबल टैप करके आप जो है क्विक सेटिंग्स पैनल को जो है ओपन कर पाओगे, इसमें ऐड किया गया है। बाकी यहाँ पर 100 मोड क्विकली ओपन कैमरा का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। अभी फिलहाल बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस के बारे में। इस रॉम के साथ हमने जो है कुछ बेंचमार्किंग एप्लीकेशन से उसे रन किया था। यहाँ पर 3D मार्क के साथ जो है वाइल्ड लाइफ के साथ 365 का जो है स्कोर है देखने को मिल गया है Redmi Note 7 डिवाइस के साथ। तो यहाँ पर 3D मार्क का जो स्कोर है काफी बढ़िया है। एंड यहाँ पर Geekbench 5.5.1 के साथ सिंगल कोर के साथ 330, मल्टी कोर के साथ जो है 1385 का जो स्कोर है देखने को मिल गया है। एंड यहाँ पर मल्टी कोर का, यहाँ पर सिंगल कोर का जो स्कोर है देख सकते हो एवरेज से ज्यादा है, मल्टी कोर का जो स्कोर है एवरेज से ज्यादा देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर सिंगल कोर एंड मल्टी कोर दोनों के साथ जो है एवरेज से ज्यादा स्कोर देखने को मिलता है। एंड यहाँ पर बाय डिफॉल्ट विदाउट मैजिक्स विदाउट रूट सेफ्टीनेट पास हो जाएगा, मतलब गूगल पे फोन पे इस तरह की जो एप्लीकेशन से बाय डिफॉल्ट काम कर जाएगा इस रॉम के साथ। एंड लगभग 5 मिनट के लिए सीपीयू थॉटरिंग टेस्ट को हमने यहाँ पर रन किया था। मैक्स गया है 148, एवरेज है 142, मिनिमम है 130। यहाँ पर 95% का जो सीपीयू थॉटल देखने को मिल गया है। मैक्स सीपीयू गया है 2.20 GHz तक। तो ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है एवोल्यूशन एक्स के साथ Redmi Note 7 डिवाइस के साथ काफी बढ़िया है। यहाँ पर रैम मैनेजमेंट के साथ इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा, प्लस यहाँ पर बैटरी बैकअप बढ़िया है, परफॉर्मेंस भी बढ़िया देखने को मिल जाएगा। अगर बात करें पर कस्टमाइजेशन के बारे में तो यहाँ पर कस्टमाइजेशन के साथ जो ढेर सारी ऑप्शंस को ऐड किया गया है। तो यहाँ पर थीम सेटिंग्स का ऑप्शन है, डार्क मोड का ऑप्शन है, आइकॉन पैक, वाईफाई आइकॉन स्टाइल, सिग्नल आइकॉन स्टाइल, नेविगेशन बार स्टाइल, डेटा आइकॉन स्टाइल का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। तो इस तरह से ये सभी ऑप्शन है। एंड सरस वर्क के साथ जो है यहाँ पर नेटवर्क ट्रैफिक इंडिकेटर का ऑप्शन है, बैटरी स्टाइल का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, बैटरी बार का जो ऑप्शन से अवेलेबल है। यहाँ पर बैटरी बार आइकॉन का ऑप्शन, ओके तो यहाँ पर सरस वर्क आइकॉन का ऑप्शन है। सरस वर्क के ऊपर कौन कौन से आइकॉन को शो करना चाहते हो उसके लिए अलग से आइकॉन देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पर ब्लूटूथ बैटरी सरस का ऑप्शन है, माइक कैमरा, प्राइवेसी इंडिकेटर का ऑप्शन है, डेटा डिजेबल आइकॉन, प्लस 4G आइकॉन का ऑप्शन है, LTE आइकॉन की जगह 4G आइकॉन को दिखा सकते हो। क्विक सेटिंग्स पैनल के ऊपर जो है यहाँ पर कस्टमाइजेशन ऑप्शंस को ऐड किया गया है, वर्टिकल लेआउट का ऑप्शन है, बैटरी स्टाइल का ऑप्शन है। तो इस तरह से क्विक सेटिंग्स, क्विक पुल डाउन का ऑप्शन है, बैटरी स्टाइल का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, एनिमेशन स्टाइल का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, यहाँ पर ऑटो ब्राइटनेस आइकॉन का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। तो इस तरह से ऐसे भी ऑप्शन है। लॉक स्क्रीन के साथ जो है एज लाइटिंग का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, लॉक स्क्रीन चार्जिंग इन्फो का ऑप्शन है, हाइट सरस बार का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। गेस्चर्स के साथ जो है डबल टैप टू स्लिप ऑन सरस बार, डबल टैप टू स्लिप ऑन लॉक स्क्रीन का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। यहाँ पर टॉगल फ्लैश लाइट व्हेन स्क्रीन ऑफ का ऑप्शन है, आप सिंपली यहाँ पर जो है पावर बटन के साथ जो है फ्लैश लाइट को एनेबल कर सकते हो। ब्राइटनेस कंट्रोल का ऑप्शन है, सरस बार के साथ जो है ब्राइटनेस को एडजस्ट कर पाओगे। एंड यहाँ पर जो है ये सभी ऑप्शंस अवेलेबल है। बटन्स के साथ जो है नेविगेशन बार का ऑप्शन है, सिस्टम नेविगेशन का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। एनिमेशन के साथ जो है चार्जिंग एनिमेशन, स्क्रीन ऑफ एनिमेशन एंड पावर मेनू एनिमेशन का जो ऑप्शन है अवेलेबल है। तो यहाँ पर ये सभी ऑप्शंस को ऐड किया गया है। साउंड एंड वाइब्रेशन के ऊपर इंक्रीज रिंग वॉल्यूम, सिम वन सिम टू के लिए अलग अलग रिंग टोन को सेट कर सकते हो। स्मार्ट पॉज, यहाँ पर रिंग टोन वाइब्रेशन पैटर्न का ऑप्शन है। पर ऐप वॉल्यूम कंट्रोल का ऑप्शन को ऐड किया गया है। यहाँ पर इन कॉल नोटिफिकेशन, स्क्रीन लॉकिंग साउंड, चार्जिंग साउंड, चार्जिंग वाइब्रेशन, ऐसे भी ऑप्शन है। एंड डिस्प्ले के साथ जो है एक्स्ट्रा डिम ऑटो ब्राइटनेस का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। डार्क मोड का ऑप्शन है, नाइट लाइट, लाइव डिस्प्ले, डबल टैप टू वेकअप, वेकअप ऑन प्लग का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। एंड यहाँ पर वॉलपेपर स्टाइल के साथ जो है यहाँ पर थीम आइकॉन का ऑप्शन है, ऐप ग्रिड का ऑप्शन है, प्लस लॉक स्क्रीन शॉर्टकट का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है।
एक्सेसिबिलिटी के साथ जो है एक्स्ट्रा डीम प्लस यहाँ पर वाइब्रेशन हैप्टिक लाइव कैप्शन ऑडियो एडजस्टमेंट का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। एंड डेफिनेटली आप जो है यहाँ पर जो एवोल्यूशन एक्स का जो बिल्ड इसे ट्राई करके देखो रेडमी नोट 7 डिवाइस के ऊपर। एंड वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकॉन को दबा के ऑल सेलेक्ट करके इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। एंड रेडमी नोट 7 का जो प्लेलिस्ट है वहां पर जाके अलग अलग कस्टम रॉम का जो वीडियो है उसे भी आप चेकआउट करके देख सकते हो, प्लस इंस्टॉलेशन वीडियो को भी चेकआउट करके देखो।